साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्न का गुना। भिन्न का गुना कैसे किया जाता है? भिन्न का जोड़, ये जोड़ है, ये गुना है, इस प्रकार से हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो सब सॉल्यूशन करने के लिए जो है आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। इस संख्या को जो है पूर्णांक में बदलना है। तो कैसे बदला जाता है, चलिए मैं इसे बदल के साइड में दिखाता हूं। जैसे कि यहां पे 3.1/2, ये 3 है। अब इसे क्या करना है, ये नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 × 3 = 6, कितना आएगा 6। ऊपर में जितना यहां जो भी रहता है 5, 4, 1, 2 कुछ भी रहे, तो नीचे वाले से गुना करने पर जितना आता है उसको ले जाके इसमें जोड़ देना पड़ता है। तो 2 × 3 कितना आया 6, 6 और 1 = 7, 7/2। पूर्णांक कितना निकला 7/2। वापिस इसे भाग लगा करके देख लेते हैं कि उतना वैसा आता है कि नहीं। तो ये 7 को यहां पर आप उतारिये, 2 × 3 = 6 कट के कितना बचा 1, यानी कि भागफल 3, शेष बचा 1, कितना से भाग लगाए थे 2 से, सेम यही आ गया। इसका मतलब इसका पूर्णांक कितना आएगा 7/2। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का पूर्णांक भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, 7/2 लिख देता हूं। फिर इसका पूर्णांक निकालने के लिए सेम वही करना पड़ेगा, नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करना, गुना करना पड़ेगा। 3 × 5 = 15, 15 को ऊपर वाले में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, 16/3, यहां पर गुणा है 4, 4/2। अब इसे क्या करना है, यहां पर जोड़ का निशान है, यहां पर गुणा, इस प्रकार से दोनों जब एक साथ रहे या कोई भी निशान जब एक साथ आए तो आपको एक बात याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये भाग, गुणा, जोड़ और ये घटा, ये चारों निशान में से सब यदि एक साथ भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सबसे पहले आपको भाग का काम कर देना है, उसके बाद आता है गुना का बारी, तो गुना का काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जोर का कर देना है, उसके बाद घटा का। तो हमें देखना यह है कि इन सब में से हमारे पास यहां पर क्या है, यहां है जोर और गुना, जोर और गुना, इन दोनों में बड़ा कौन है तो गुना। तो जोर से पहले किसका काम होगा, गुना का। तो इसको जस्ट सिंपल वैसा ही उतार देना है 16। अब इन दोनों में पहले किसका काम होगा, गुणा का, तो यहां पे जो है गुणा करेंगे, 16 × 4 = 64। और गुणा कैसे किया जाता है, ऊपर ऊपर वाला गुणा होगा, नीचे से नीचे वाला गुणा होगा, और इसे आप जो है ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, और यदि आपको काटना आता है तो काट भी सकते हैं। 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, ये ऊपर ऊपर भी करता है, ये कोना कोनी क्रॉस में भी करता है, इधर भी कर सकता था, मैंने इधर काट दिया। उसके बाद क्या करना है, 16 × 2 = 32, ये गुना और 1 × 3 = 3, ठीक है। फिर अब इसको क्या करना है, नीचे वाले को ये दोनों का एलसीएम करना है। भिन्न का जोड़ करने के लिए 2, 3 को इधर साइड में एलसीएम कर लीजिए, इसको काटना है, कितना से कटेगा, तो ये कम से कम 2 कटना चाहिए, तो 2 लेंगे, कम से कम 2 संख्या जो है जो भी यहां पर लेंगे उससे 2 संख्या कम से कम कटना चाहिए। तो यहां पर मेरा 2 है, यहां 3 है, 2 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 लेते हैं तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए ये जो है अभाज्य संख्या की जोड़ी है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। तो क्या करना है, 2 × 3 बराबर दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो नीचे वाले दोनों का एलसीएम करना है, वो एलसीएम जितना भी आता है यहां पर बट्टे लेकर के नीचे हमें एलसीएम करके लिखना पड़ता है 6। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम करके यहां नीचे लिखना है, फिर ये 2 से इसको डिवाइड करना है, भाग लगाना है, इस नीचे वाले से इसको भाग लगाना है और इस नीचे वाले से इसको भाग लगाना है। तो चलिए इससे भाग लगाते हैं, 2 से 6 को भाग लगाएंगे कितना आएगा, साइड में लिख लेता हूं 3, नीचे वाले से भाग लगाएंगे इस नीचे वाले को कितना आया 2 × 3 = 6, 3 आएगा,
ये जितना आएगा इससे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुना कर देना है ऊपर वाले के साथ। कितना आएगा, 3 × 7 = 21, और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, बस सिंपल। फिर ये जो निशान रहेगा प्लस का, ये प्लस लिख देना है इस नीचे वाले से, फिर इस नीचे वाले को भाग लगाना है जैसे यहाँ पे किए, सेम वही इससे भाग लगाएंगे तो 3 × 2 = 6 यानी कि 2 आ जाएगा। इस 2 से क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को गुना कर देंगे, 32 × 2 = 64 यहाँ पे लिख देना है, और सिंपल इन दोनों को क्या करना है, आप इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, 4 × 1 = 5, 6 × 2 = 8, 8/6, ये फाइनल हमारा आंसर, ये हो गया हल। इस प्रकार से जो है आप हल कर सकते हैं।